मैं उशबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश की दीवानी न्यायालय में ताबड़तोड़ फायरिंग, जौनपुर कोर्ट में पेशी पर आए अभियुक्त पर फायरिंग, गोली चलाने वालों को पुलिस ने पकड़ा, आरोपियों से पूछताछ जारी। जौनपुर में अतीक अशरफ जैसा वारदात, फायरिंग से दहल उठा न्यायालय परिसर। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर कोर्ट परिसर मंगलवार को उस समय गोलियों की तड़बड़ाहट से दहल उठा जब पेशी पर आए बंदियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में दोनों कैदी बाल बाल बच गए। दोनों बंदियों को पुलिस के सामने ही अपराधियों ने गोली मार दी। दोनों घायल बंदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के दीवानी न्यायालय से अतीक अशरफ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जहां पेशी पर आए दो आरोपियों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। वहीं मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से जिले में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 6 मई 2022 को गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर में पहलवान बादल यादव की हत्या में सूर्य प्रकाश राय और मिथिलेश गिरी आरोपी हैं। इन दोनों को आज दीवानी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और साथ ही दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ में जुटे हुए हैं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से आसिफ खान की रिपोर्ट। बाद में सर फंसाया गया बलवा में, पता कि मारा था सर। मिथिलेश गिरी बाप नाम चंद्रशेखर गिरी सर, गाँव ये बताओ, आप बताओ भैया, आप चले जाओ। लोगों को इस तरीके से असुरक्षित किया जा रहा है और वो भी सबसे सुरक्षित जगह दीवानी परिसर माना जाता है, जबकि यहाँ जो है इस तरीके की वारदात हो रही है और यहाँ पे क्राइम जो है हो रहे हैं, यह बहुत ही अव्यवस्था का विषय है। कितने राउंड फायरिंग हुआ था, किसके ऊपर? दो राउंड फायर हुआ था। एक किसी व्यक्ति ने, मिस होते तो हमने नहीं देखा, लेकिन यह है कि दो फायर सुनाई दिया और सामने जो है उस कैदी को लेकर के पुलिस जा रही थी और उसी समय जो है वो फायर किया और पुलिस वालों की वहां जो जिस कस्टडी में था उन लोगों की मुस्तैदी अच्छी थी कि तुरंत उसको बचा लिए और जो गोली चलाया था वो बचा नहीं और उसको अधिवक्ताओं ने पकड़ करके तुरंत जो है उस पर लात मुक्के की बरसात। किसके ऊपर गोली चली थी और क्या वो जिसके ऊपर चली थी? नहीं, तो जिसके ऊपर गोली चला था वो तो कस्टडी में था, अभियुक्त था, पुलिस गवाही के लिए वो पुलिस कस्टडी में था। क्या कहीं गोली चली है? दो अभियुक्त, अभी अभी ये चीज नहीं, अभी अभी ये पता नहीं चला क्या गोली लगी कि नहीं लगी, वो तो बाद में। आपका क्या नाम है? मैं नरेंद्र सिंह एडवोकेट, एमबी सिंह एडवोकेट।